नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एजुकेशन लाइफ में। जी दोस्तों, बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे आप सभी दोस्त हमारे वीडियो का कि जो है कि अगला वीडियो क्या आने वाला है। ठीक दोस्तों, चलिए इस वीडियो में हम सब बात करेंगे किस प्रकार से आपको पंचायत में 3 दिन फंड आने वाले हैं और एक एक फंड का 15-15 लाख रुपया दोस्तों आएगा। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मैंने अपने नज़दीकी में दोस्तों पुराने वाले वार्ड सचिव से पूछा कि क्या भाई क्या हो रहा है, आप लोग को हक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दोस्तों पुराने वाले वार्ड सचिव बिल्कुल नाराज़गी जाहिर कर रहे थे और वे बोल रहे थे कि हम लोग 4 वर्षों तक काम किए हैं फ्री में और हमें कोई भी भत्ता नहीं दिया गया है। और जब मैंने नए वाले वार्ड सचिव से पूछा कि भाई आपकी क्या हाल चाल है, आप लोग का काम सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो नए वाले वार्ड सचिव बोले कि हम लोग का सर चल रहा है और हम लोग को सरकार जो है पैसे देने वाली है और कुछ समय में ऐसा जाहिर होगा कि हम लोग को सरकारी ना कर दिया जाए, है ना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पुराने वाले वार्ड सचिवों का भी बहाली जो है मैट्रिक स्तर पर हुआ था और नए वाले वार्ड सचिवों का भी बहाली जो है नए वाले वार्ड सचिवों का बहाली जो है मैट्रिक स्तर पर ही किया गया था। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, अब हम बात करते हैं पंचायत से जुड़े, तो आपको मैं बता दूं जो 3 दिन फंड आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हर एक पंचायत में 3-3 फंड आने वाले हैं, काम आने वाला है और एक एक फंड जो है 15-15 लाख के बराबर है दोस्तों। अब उसमें कौन कौन सा फंड आएगा मैं आपको बता दूं। देखिए भाई, सबसे पहला फंड तो आपका नल जल है, ठीक है ना, और दूसरा फंड आपको दोस्तों नली गली हो गया, मान लीजिए सौर ऊर्जा हो गया, बहुत सारे काम है दोस्तों। तो लगभग में 3 फंड आने वाले हैं और एक एक फंड पर आपको 15-15 लाख का जो है फंड आएगा कि मुखिया, सरपंच, वार्ड सचिव आदि जो है फ़ायदा उठा सकते हैं, पंच भी उठा सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपको मुखिया के साथ बने रहना होगा। ठीक है, और बात करते हैं वार्ड सचिवों के बारे में। देखिए भाई, वार्ड सचिव जब तक साइन नहीं करते हैं तब तक पैसा कहीं भी निकासी नहीं हो सकती है, चाहे कोई भी बड़ा फंड हो चाहे छोटा फंड हो, बिना वार्ड सचिवों के सिग्नेचर के पैसा निकासी नहीं की जाती, आप जानते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वार्ड सदस्यों के बारे में। वार्ड सदस्यों के बल्ले बल्ले है, वार्ड सदस्यों को 5,500 निकालने का मतलब है 5,500 रुपया जो है मंथली जो है दिया जा रहा है। पर दोस्तों की वार्ड सदस्य जो है इतना अच्छा फायदा उठा रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जितने भी दोस्त हमसे नाराज हैं, मान लीजिए उनका सोच यही है कि सर आप इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ पंचायत से जुड़े दोस्त कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं वे हमसे नाराज़ भी होंगे, हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, लगभग में 5,000 से 6,000 सब्सक्राइबर तो सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए बच्चे थे और बच्चियां थीं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुछ कारणवश एजुकेशन लाइव चैनल पर जो है ज़्यादा मात्रा में मैंने आप लोग को पंचायत जुड़े वीडियो डाले हैं। मैंने 3 चैनल क्रिएट कर दिए हैं, 10वीं के लिए अलग, उसके बाद 12वीं के लिए अलग, उसके बाद कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए अलग अलग किए दोस्तों। तो चैनल का लिंक आपको दे देंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद लाइव क्लास या अपलोडेड वीडियो पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इस चैनल पर दोस्तों पंचायत जुड़े हुए आपको वीडियो मिल रहे हैं, लेकिन आप यदि पढ़ाई करना चाहते हैं 10वीं का या 12वीं का या कॉम्पिटेटिव वीडियो हम डालते हैं, वो चैनल जल्द ही आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे दोस्तों, तब तक धन्यवाद। और दोस्तों पुराने वाले वार्ड सचिव, नए वाले वार्ड सचिव, मुखिया, यदि आपको खबर अच्छी लगती है तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप पल पल का खबर चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद, जय हिंद।